आज हम लोग जो टॉपिक को स्टडी करेंगे वो हमारा है रिलेटिव मोशन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है। रिलेटिव कहने का मतलब होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू। अब किसके रिस्पेक्ट में, तो यहां पर हम जो जब डील करते हैं मोशन के बारे में, जब भी मोशन का जिक्र होगा तो हम लोग हमेशा बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर हमारा कौन है उसी के रिस्पेक्ट में। तो यहां जब हम बात करते हैं रिलेटिव मोशन का, मतलब किसी एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर दो बिल्डिंग लेते हैं, एक बिल्डिंग है 20 मीटर का, दूसरा है 60 मीटर का। तो अगर पूछे हम लोग कि इस बिल्डिंग का हाइट क्या है और इस बिल्डिंग का हाइट क्या है, तो ऐसे हम लोग बोले तो 20 मीटर और 60 मीटर है। तो ये 20 मीटर कहां से है, तो हम कहां से मेजर कर रहे हैं, ग्राउंड से, मतलब हम ग्राउंड को क्या लेके चल रहे हैं, ओरिजिन। तो हम क्या बोले, ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर है और ये ग्राउंड से कितना मीटर ऊपर है, तो 60 मीटर ऊपर है। अगर इन दोनों कंपेयर करें हम लोग तो क्या बोलेंगे, 20 मीटर है और ये 60 मीटर है, यानी कि ये ए है और ये बी है। तो बोलेंगे हम लोग बी इज हायर देन ए बाय अ लेंथ ऑफ 40 मीटर। मतलब बी जो है वो ए से बड़ा है, कितना बड़ा है, तो 40 मीटर है। तो ये हो गया रिलेटिव टर्म। मतलब हम किसी एक पॉइंट या ओरिजिन को लेकर कंपेयर करते हैं दूसरे बॉडी को, ठीक है। तो यहां जब हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन का, तो यहां पर दो चीज आएगा बात सामने। पहला आएगा रिलेटिव वेलोसिटी और दूसरा आएगा हमारा रिलेटिव एक्सीलरेशन, ठीक ना। ये दो चीज को हमको पढ़ना है पहले। तो सबसे पहला जो बात आता है वो है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी का हम बात करेंगे तो उसको समझिए कैसे डील करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब ए का जो वेलोसिटी है बी के रिस्पेक्ट में क्या है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, तो ऐसे लिखेंगे वी ए बी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा वी ए बी है और उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल है, वेक्टर का सिंबल एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। तो वी ए बी कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो जब कभी भी ऐसा टर्म लिखते हैं हम, तो इसके कहने का मतलब होता है वी ए माइनस वी बी। इसको ध्यान रखिएगा, वी ए माइनस वी बी यहां पर कहने का मतलब है नॉट इट्स मैग्नीट्यूड। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब वेक्टर में हम इसका जिक्र करते हैं तो क्या लिखते हैं, अगर मैग्नीट्यूड के बेसिस से बात करना रहता तो लिखते वी ए माइनस वी बी। तो ये दोनों चीज सेम नहीं है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी कहने का मतलब होगा उसके वेक्टर से, ना कि उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अब ये फॉर्मूला हम किसी भी डायमेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर वन डायमेंशन, फॉर टू डायमेंशन और फॉर थ्री डायमेंशन। अगर हम बात करें जनरल फॉर्म में तो क्या हम लिख सकते हैं, कभी भी वी ए बी इज इक्वल टू वी ए एक्स आई कैप प्लस वी ए वाई जे कैप प्लस वी ए जेड के कैप माइनस वी बी एक्स आई कैप वी बी वाई जे कैप और वी बी जेड के कैप। तो ये होगा मेरा वेक्टर के रूप में इसका फॉर्मेट, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, जब भी वी ए बी रहेगा इसके कहने का मतलब क्या है, तो वी ए माइनस वी बी, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। जैसे अगर बात करें हम फॉर वन डायमेंशन के लिए, फॉर वन डायमेंशन मतलब बॉडी किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, मतलब एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें तो लेते हैं एक बॉडी जो है
मान लीजिए कुछ बॉडी है इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा बॉडी है ये भी जा रहा है इधर ही 8 मीटर पर सेकंड से, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। अगर आपको बोला जाए फाइंड करने के लिए बी ए बी तो क्या लिखेंगे हम, तो फॉर्मूला मेरा क्या है, तो वी ए माइनस वी बी है ये फॉर्मूला। वी ए क्या होगा, तो ध्यान दिए किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्स एक्सिस में है, इसको लिखेंगे हम 4i कैप। वी बी किस तरफ है, ये भी है उसी डायरेक्शन में, यानी -8i कैप, यानी आंसर मेरा क्या हो गया -4i कैप। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड का बात करें हम, तो वी ए बी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, तो 4 मीटर पर सेकेंड, इसका मैग्नीट्यूड यही रह जाएगा। तो देन वन डायमेंशन में ये चीज हुआ। अगर हम क्या करते हैं सेम क्वेश्चन में डायरेक्शन चेंज कर दे, मतलब ये अब 8 इधर से नहीं होकर इस तरफ जा रहा होता, तो क्या आंसर आएगा उसको हम देखें। अगर तो क्या लिखेंगे, वी ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला मेरा वही रहेगा, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं करेगा। वी ए, ए का वेलोसिटी किधर जा रहा है, तो 4 मीटर पर सेकंड से एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब ये रहेगा मेरा 4i कैप माइनस, ये किधर जा रहा है, तो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब क्या लिखना होगा -8i कैप, यानी 4i कैप माइनस माइनस प्लस 8i कैप यानी 12i कैप, ये हो गया मेरा वी ए बी। अगर बात करें मैग्नीट्यूड का, तो ये हो जाएगा मेरा 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये बात होता है मेरा वन डायमेंशन के लिए इस तरह से। मतलब हम क्या देखते हैं वन डायमेंशन में, कि अगर सेम डायरेक्शन में है दो बॉडी, तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी में क्या कर देंगे हम, उन दोनों का डिफरेंस कर देंगे। यहाँ पर देखिए डिफरेंस ही हुआ है 4 माइनस 8, तो -4 बन गया। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जा रहा है, उसका सम हो जा रहा है, मतलब इधर 4 और इधर 8, तो बन गया मेरा 12। ठीक है, तो यानी कि इस केस में हम क्या ध्यान देंगे, कि अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या हम करेंगे, दोनों का वैल्यू को माइनस कर देंगे, या दोनों के मैग्नीट्यूड को माइनस कर देंगे। और अगर बात करें हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को प्लस कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये तो बात हो गया मेरा वन डायमेंशन के लिए। और हम कुछ जानते हैं, ये बात था हमारा वन डायमेंशन के लिए। अब क्वेश्चन आपको रहेगा टू डायमेंशन में, कि टू डायमेंशन में किस तरह हम इसको स्टडी करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि एक बॉडी है वो पहले गया नॉर्थ में 3 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ये सिंबल हम लोग कर ले, नॉर्थ साउथ वेस्ट और इधर ईस्ट। क्या हुआ, एक बॉडी 3 मीटर पर सेकंड से किसी पॉइंट से 3 मीटर पर सेकंड गया किधर, नॉर्थ की तरफ। फिर क्या हुआ, वो 4 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ मुड़ गया, यानी यहां से वो क्या हो गया 4 मीटर पर सेकंड से ईस्ट मुड़ गया। ठीक है, ये बॉडी ए है, वही मूव किया है। अगर हम बात करें यहां पर दो बॉडीज मान लेते हैं, एक बॉडी था मेरा ए जो 3 मीटर पर सेकंड से गया, दूसरा बॉडी बी था वो इस जगह से 4 मीटर पर सेकंड की तरफ गया। अब यहां पर बोला जाए कि फाइंड वी ए बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, ये क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम गौर करें तो क्या लिखेंगे, वी ए बी इज इक्वल टू, वी ए बी कहने का मतलब वी ए माइनस वी बी। बताइए वी ए जो पहला बॉडी था वो किधर जा रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ, यानी कि अगर हम टू डायमेंशन में बात करें तो ये कौन सा एक्सिस बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस, मतलब किधर की ओर जा रहा है, तो 3j कैप, वेक्टर में हम लोग इसको j कैप से दिखाते हैं, इसको i कैप से, तो किधर जा रहा है वो 3j कैप में, माइनस ये किस तरफ जा रहा है, तो i कैप में, यानी 3j कैप माइनस 4i कैप, यही होगा मेरा क्या चीज, इसका रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, अगर पूछा जाए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड में क्या लिखेंगे हम,
थ्री पहले माइनस फोर आई का कर लें, ये 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी अंडर रूट 25, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर क्या होगा, पर सेकंड होगा ये इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन में अगर बात करें हम लोग, तो डायरेक्शन में क्या लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई बाई आर एक्स, मतलब कंपोनेंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई कंपोनेंट ऑफ एक्स। तो कंपोनेंट ऑफ वाई मेरा है 3, देखिए जे कैप में कंपोनेंट ऑफ एक्स है माइनस फोर, मतलब माइनस 3/4, यानी थीटा इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स माइनस 3/4, या इसको एंगल में भी कन्वर्ट हम कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज हमको यहां पर मिलेगा, और एंगल मेरा कहां पर बनेगा इसमें, इस तरफ से एंगल बन जाएगा, एक्स एक्सिस ये ले रहे हैं तो यहां से ये एंगल बनेगा। तो ये बात रह गया मेरा वन डायमेंशन और टू डायमेंशन के लिए, ठीक है। हमेशा यानी ध्यान रखना है कि जब भी रिलेटिव वेलोसिटी बोलेगा, मतलब वी ए बी का यूज होगा, तो हम क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी। अब वी ए और वी बी क्या ध्यान रखना है हमको, कि वो हम वेक्टर में ही यूज करें, क्योंकि वेक्टर में लेने पर क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको जो बोलेगा निकालने के लिए, ज्यादातर आपको मैग्नीट्यूड बोलता है फाइंड करने के लिए, तो मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा और एंगल भी निकल जाएगा, मतलब कितना वेलोसिटी से वो एंगल बना रहा है। जो रिलेटिव वेलोसिटी आपको कौन होगा इसमें, ये होगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी, जो कि एंगल कितना बना रहा है, तो माइनस 3/4 बना रहा है एक्स एक्सिस से। ये हो गया आपको वन डायमेंशन और टू डायमेंशन का रिलेटिव वेलोसिटी। थ्री डायमेंशन में भी वैसा ही होगा, एंड थ्री डायमेंशन अभी आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, और अगर बाय चांस यूज होता है तो आप आई कैप जे कैप और के कैप यूज कीजिएगा, आंसर आपका उसी में मिलेगा। अब देखिए इसमें एक बहुत फेमस इसमें क्वेश्चन रहता है, चोर और पुलिस वाला, ठीक ना। इसमें क्वेश्चन रहता है आपको कि मान लिए कि एक चोर है, वो गया 20 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था, एक पुलिस जो था, ये पुलिस इसके पास एक जीप था, ठीक है ना, और ये क्या देखा चोर को, चोर को देखा कि 20 मीटर पर सेकंड से गया वो, ये क्या किया रेट किया 10 सेकंड बाद, ठीक है, और चल गया ये 25 मीटर पर सेकंड से। मतलब क्या है, तो मान लिए कि ऐसा मोड़ टाइप का था और यहां पर पुलिस लगा हुआ था, लेकिन देखता है चोर को कितना स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड देखता है, लेकिन रिएक्ट कब करता है 10 सेकंड बाद, अपना गाड़ी लेकर चला 25 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन इसमें पूछता है कि कितने डिस्टेंस पर वो उसको कैच कर लेगा, ठीक ना, मतलब चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ये हमको फाइंड करना रहता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछता है कि कितना टाइम लगेगा पुलिस को चोर को पकड़ने में, ठीक है, मतलब क्या रहेगा फाइंड करने के लिए, तो टाइम बाय विच द पुलिस कैचेस द थीफ। दूसरा पूछता है आपको कि डिस्टेंस बाय विच द पुलिस कैचेस द। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहीं से, तो यहां पर क्या हो रहा है, तो मान के चले हम कि लेट द टाइम टेकन बाय थीफ बी टी, कितना टाइम लगा है चोर को, तो टी टाइम लिया है चोर ट्रेवल करने में इस जगह से, यहां से हम इस पॉइंट से हम देखना शुरू किए हैं, मतलब जो पुलिस है वो यहां से देखना शुरू किया है, तो देखा क्या पुलिस की, ये चोर जो है कितना टाइम ले लिया है, टी टाइम ले लिया है, ठीक है। तो अगर बात करें हम पुलिस के लिए, तो पुलिस कितना टाइम लेगा, टाइम टेकन बाय पुलिस, तो पुलिस 10 सेकंड बाद रिएक्ट किया है, मतलब तब तक जो चोर होगा वो आपको 10 सेकंड ट्रेवल कर चुका होगा, यानी जो पुलिस है उसको 10 सेकंड और कम मिला, यानी कि उसके लिए कितना टाइम रहेगा, तो टी माइनस 10 सेकंड। तो ये हो गया इसका टाइम और ये हो गया इसका टाइम। अब चोर जो है उसको पकड़ लेना है पुलिस के द्वारा, मतलब पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा, तो
तो उस केस में क्या होगा, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पुलिस उतना ही डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा, चोर। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ठीक, यहां ध्यान दीजिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया हुआ है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो पुलिस कितना स्पीड से जा रहा था, 25 मीटर पर सेकंड से, यानी स्केल लिखेंगे 25 इनटू टी माइनस 10। थीव के लिए कितना स्पीड है, यह 20 और टाइम है मेरा टी। सॉल्व कर दे अगर हम लोग तो 25t - 250 = 20t, मतलब 5t = 250, therefore t = 250/5, यानी 50 सेकंड, यानी 50 सेकंड लगेगा किसको, तो चोर को पकड़ने में, ठीक है। और अगर बात करें पुलिस को कितना लगा है टाइम, तो पुलिस को कितना लगा था, t - 10, मतलब 50 - 10 40 सेकंड, यानी कि जो पुलिस है वो चोर को कितना देर में पकड़ लेगा, तो 40 सेकंड में पकड़ लेगा पुलिस के द्वारा, ठीक है। अब अगर बात करें कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है पकड़ने में, तो किसी एक में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, या तो इसमें या तो इसमें, कहीं से भी आंसर आ जाएगा। तो अगर बात करें 20 और टी का वैल्यू आया है 50, 20 × 50 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर, यानी कि चोर जो है उसको पकड़ने में पुलिस को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो वो आपका 1 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरह का क्वेश्चन रहता है। इसमें कुछ और हम फॉर्मूला लिखाए थे यहाँ पर, उसको आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी पड़ेगा। पहला आपको फॉर्मूला रहेगा टाइम ऑफ कोलिजन का, ठीक ना। अगर मान ले दो बॉडीज है, दोनों बॉडीज के बीच डिस्टेंस दिया गया है हमको d, ठीक है। और अगर क्या हो रहा है, तो एक इधर भी a स्पीड जा रहा है और दूसरा भी b स्पीड जा रहा है, तो कितना टाइम लगेगा एक दूसरे क्रॉस करने में या कोलिजन करने में, तो ये रहेगा आपको d बाई वी ए प्लस वी बी इस वाले के लिए। अगर दोनों मेरा सेम डायरेक्शन में है, ये इधर VA है और ये इधर मेरा VB है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये होगा VA - VB। ध्यान रखना है यहाँ पर कि VA का वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ A ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ B होना चाहिए, क्योंकि तभी पकड़ पाएगा, अगर इसका स्पीड कम होगा इसको कभी जिंदगी में नहीं पकड़ पाएगा। तीसरा आपको फॉर्मूला रहेगा इसमें, ध्यान दीजिएगा, ट्रेन का केस रहता है, ठीक है ना, ट्रेन का क्रॉसिंग का केस। इसमें हम क्या करते हैं, तो सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन्स डिवाइडेड बाय देयर रिलेटिव वेलोसिटी, राइटली क्या रिलेटिव वेलोसिटी। मान के चले हम लोग दो ट्रेन दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह का बोलेगा कि कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, तो क्या करेंगे हम दोनों ट्रेन का लेंथ लेंगे और उसके रिलेटिव वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर टाइम निकल जाएगा कितना क्रॉस करने में लगा। फिर आपको एक फॉर्मूला रहता है, अगर मान के चले दो प्लेस दिया हुआ है ए और बी, ए से एक बॉडी चलता है वी ए स्पीड से और दूसरा वी बी वेलोसिटी से, ठीक है। और अगर हम मान के चले कि वो क्या होता है किसी पी पॉइंट पर मिलता है, ठीक है, और ए को पी तक पहुंचने में लगता है टाइम टी ए, और पी से बी तक को पहुंचने में लगता है टाइम टी बी। ध्यान समझिएगा, ए और बी कोई पॉइंट दिया हुआ है, दो बॉडीज वहां से चलना शुरू करते हैं से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरी तरफ आ रहे हैं और मिलते हैं कहां पर, पी पर, तो ए को पी तक पहुंचने में टाइम लगता है टी ए और बी को पहुंचने में लगता है टाइम टी बी। तो यहां पर याद रखिएगा ये रिलेशन हमको मिलता है, वी ए बाय वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट टी बी बाय टी ए, ठीक है, या इसी को कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है
V1 by V2 is equal to under root T2 by T1। इसमें भी आपका रिलेटिव वेलोसिटी या कंसेप्ट काम करता है। इस फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा बात हो गया मेरा किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का। तो आप इस फॉर्मूला को उतार लीजिए।